हेलो फ्रेंड, माय नेम इज बसंत बरेट, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, जैसा कि हमारा एक लास्ट वीडियो था स्केप फोल्डिंग पे, आज मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ कि एक स्केप फोल्ड का जो सबसे मेन पार्ट होता है हमारा प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म की अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो वो होता है हमारा गार्ड रेल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि एज पर स्टैंडर्ड हमारा जो गार्ड रेल होता है वो किस तरीके से बनना चाहिए, और एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में हम सभी चीजों पे बात करेंगे, आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि एक जब स्केप फोल्ड लाइक एक टेम्परेरली प्लेटफॉर्म जब बनाया जाता है तो उसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखा जाए टॉप टू बॉटम, तो हमारे बॉटम साइड से अगर हम बात करें तो हमारा बेस प्लेट से लेके हमारा सारे पोस्ट, स्टैंडर्ड, बियरर, ब्रेसिंग, ये सारे चीजें होती हैं। लेकिन जब हमारा स्केप फोल्ड एक प्लेटफॉर्म लेवल पे आ जाता है तो हमारा वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसके जो प्लैंक होते हैं या उसमें जो बिछाए गए ग्रेटिंग जो जालियां होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक वो हमारा कैपेसिटी को बियरर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है हमारा गार्ड रेल। क्या होता है, जब हम काम करने के लिए जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो हमारे कार्य के दौरान हमारा जो माइंड होता है वो ओवरऑल हमारे काम पे होता है। उस समय हमें चीजें समझ में नहीं आती है कि हमारा जो एज पॉइंट्स क्या है, हम किस तरीके से बाहर जा रहे हैं, या हमारा पैर कितना बाहर जा रहा है, हम सेफ हैं कि नहीं है, या फिर जब हमारे कोई भी मटेरियल जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म में, तो वो किस तरीके से उसको सेफ है कि नहीं है, वो नीचे गिर तो नहीं सकता है फॉल ऑफ पर्सन या फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है ऐसे समय में एक स्केप फोल्ड में। जो एक और सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है वो चारों तरफ से प्रॉपर गार्ड होना चाहिए। अगर गार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का एक हम गार्ड सिस्टम तैयार करते हैं, इसे हम लोग गार्ड रेल कहते हैं। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड कि गार्ड रेल आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, इसका भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे हमारा बेस प्लेट होता है फ्रेंड, हमारे बॉटम साइड में जो हमारा मिट्टी एक फाउंडेशन होती है वहां पे हम 150 mm x 150 का डायामीटर पे हम क्या करते हैं, डायमेंशन पे एक बेस प्लेट तैयार करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो गार्ड रेल है वो भी बहुत मजबूत तरीके से, स्ट्रेंथ तरीके से बनना चाहिए। अगर हम अपने गार्ड रेल की बात करें तो हमारे गार्ड रेल में 3 पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली देखा जाए फ्रेंड तो हम इसमें 2 पाइप का इस्तेमाल करते हैं, एक ये वाला पाइप होता है, दूसरा ये वाला पाइप होता है। जो सबसे हमारा जो प्लेटफॉर्म के पास का जो हमारा जो पोर्शन होता है उसमें हम पाइप का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जगहों पे हम लोग एक क्या करते हैं, टो गार्ड का प्रयोग करते हैं। टो गार्ड की अगर हम हाइट की बात करें फ्रेंड तो ये हमारा मिनिमम ऑफ मिनिमम 150 mm होना चाहिए। मतलब ये यहाँ से ये जो आपका ये प्लैंक है, इस प्लैंक से इसकी जो ऊंचाई है ये 150 mm होना चाहिए। फ्रेंड आगे हम बात करें तो इस 150 mm की ऊंचाई से मिनिमम कम से कम इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर वाला जो टॉप रेल होता है, बिकॉज ये हमारे इस पूरे रेलिंग का ये सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है, तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो मिनिमम ये 1 मीटर अप्रॉक्स आप 3 फीट ले सकते हैं। यस, इसको हम 3 फीट ले सकते हैं। एंड देन अगर हमारे आप दोनों के बीच की बात करें तो इसके बीच में एक और हम रेलिंग तैयार करते हैं, इसे हम लोग मिड रेल कहते हैं, जो कि हमारे टो बोर्ड के जो 150 mm मिनिमम अगर हमने 150 mm लिया हुआ है तो उसके टॉप एज पॉइंट से अगेन हम इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे जो कि हमारा मिड रेल होगा। तो इस तरीके से आप इस गार्ड रेल को तैयार कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले को हम लोग टो बोर्ड्स कहते हैं जो कि मिनिमम 150 mm का होना चाहिए। सबसे ऊपर वाले को टॉप रेल कहते हैं, क्योंकि काम के दौरान हम इस पे अपना हाथ लेके हम इसमें पूरा मूवमेंट भी करते हैं, बिकॉज हम इसको अपने हाथ से पकड़ते हैं तो इसको हैंड रेल भी बोला जाता है। एंड ओवरऑल अगर इसकी हम बात करें तो इसे हम लोग गार्ड रेल कहते हैं। तो ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म जब बनाया जाता है उस समय आपको गार्ड रेल को भी ध्यान में रखना चाहिए। गार्ड रेल के लिए आप अच्छे चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के जो हमारे स्केफोल्डिंग पाइप होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो MS का पाइप हो चाहे वो SS का पाइप हो। ओवरऑल आपको गार्ड रेल लगाना ही चाहिए, और ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टो बोर्ड है, टो बोर्ड के जो सबसे नीचे वाला जो लाइन होता है, कोई भी मटेरियल जो आपका प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है वो मटेरियल नीचे ना जाए, उतना ही आप उसमें स्पेस छोड़ के रखिए, इतना ज़्यादा स्पेस ना दीजिए जिससे आपका कोई भी मटेरियल नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ओवरऑल फ्रेंड आप इस तरीके से एक गार्ड रेल को तैयार कर सकते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म में आपका आने जाने का रास्ता होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आपका इनसाइड आपका एक पोर्शन होना चाहिए जो ड्रॉप बार, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार, जो आपका ओपन क्लोज होगा।
तो इस तरीके से आप एक ओवरऑल गार्ड रेल सिस्टम को तैयार कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए आपके स्केप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग से। आई होप फ्रेंड आपको हमारा यह वीडियो समझ आया होगा।